बैतूल जिले के बोरदेही में बिजली विभाग से लोग खासे परेशान हैं। ग्रामीणों ने बताया कि बिजली विभाग आए दिन बिजली कटौती कर रहा है, किसी भी प्रकार का कोई शेड्यूल नहीं बनाया जाता है। ग्रामीणों को बिजली विभाग द्वारा बिजली ऑफिस पहुंचने पर शिकायत दर्ज करने पर शिकायतकर्ता से अभद्र व्यवहार कर्मचारी द्वारा किया जाता है। बिजली विभाग के आला अधिकारी सुपरवाइजर अपना मोबाइल बंद कर देते हैं, जिससे ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। 3 दिन से इटावा ग्राम की लाइट बंद है, जिसकी शिकायतकर्ताओं ने एवं ग्राम के सरपंच ने बिजली विभाग में शिकायत दर्ज की, उसके बाद भी समस्या का निराकरण नहीं हुआ। बिजली विभाग द्वारा लाइट बार बार कटौती करने पर मोटर पंप टीवी पंखे जल रहे हैं, जिसमें ग्रामीणों ने बिजली विभाग पहुंचकर आक्रोश दिखाया। कंप्लेंट रजिस्टर में शिकायत दर्ज करने के बावजूद भी ग्रामीणों की कोई सुनवाई नहीं हो रही। बिजली विभाग के सुपरवाइजर विनोद कोकाडे एवं अन्य लाइनमैन कर्मचारियों द्वारा अभद्र व्यवहार किया जाता है, जबकि बिजली का बिल का भुगतान सही समय पर ग्रामीणों द्वारा किया जा रहा है, उसके बाद भी बिजली की कटौती रुकने का नाम नहीं ले रही है। मैडम, आपका नाम बताइए। मेरा श्रीमती मैना घुड़ा है जी। ग्राम बासनिया जी। मेरा आटा चक्की का बिल है जी। सर, मेरे ऊपर पहले से अनुमानित बिल लिया जा रहा था 4-4, 6-6 हजार रूपए जी, और अभी 3 महीने 3,000 रूपए 2,500 रूपए आ रहा था बिल, और अभी इस महीने 7,000 रूपए बिल दे दिया है। और सर, आपका नाम बताइए। मेरा नाम हरी प्रसाद है, कचहत देहलवाड़ा से हूँ मैं जी। वहाँ पे जो देहलवाड़ा से फिटर बनाया गया है 24 घंटे वाला जी, उसमें करीबन लाइट 2-2.5 घंटा रहती, कभी 10 मिनट कभी 5 मिनट, और हर सेकंड में हर प्रति सेकंड लाइट बंद होती है। कब बंद हो जाए कब नहीं कोई पता नहीं। अभी तो 2-4 दिन से लाइट परमानेंट ही बंद रहती है, आना जाना। बच्चों की पढ़ाई में जो 9-11 बजे से बच्चों की टीवी पे होती पढ़ाई, ये भी नहीं हो पाती, 5-10 मिनट कुछ नहीं। पढ़ाई वढ़ाई का तो ध्यान ही नहीं है। बिजली वाले को फोन लगा तो बोलते कि आज कल कर देंगे, कल नहीं पहुंच कर देंगे, हो जाएगी। अच्छा, लाइन वाइन सुधरवाने के क्या पैसे इसी भी लेते हैं क्या? नहीं, पैसे तो नहीं लिए उन्होंने अपन से। अभी एक तार टूटा है जी, और 10 घंटे वाली जो सप्लाई होती तो पंप कनेक्शन भी बंद पड़े हुए, पूरी जनता त्रस्त है। और हमने यहाँ बार बार आग्रह किया कि सर, हमारे गांव में तार टूटा है, कोई बैल, कोई गाय, कोई भैंस, कोई लड़का, कोई बच्चा, कोई आदमी अगर उसको टच कर देगा तो उसको लग गया ना, कोई घटना घट जाती तो उसका जिम्मेदार जवाबदार कौन रहेगा? तो वो बोलते हैं कि बोले हम आ रहे हैं, आज 3 दिन हो गए हैं, इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, कोई तार को जोड़ा नहीं, कोई गए नहीं, कोई स्टाफ। सुपरवाइजर से मेरी बात हुई तो बोले आ रहे हैं, कल भी बात हुई मेरी तो परसों का दिन भी निकल गया, कल का भी निकल गया, आज हम लोग आए, विधायक जी से भी बात करी हमने और भलावी सर से भी बात करी है, तो भी अभी उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी है। बोल रहे हैं कि जोड़ देंगे, और जो लाइनमैन है, जो फील्ड कर्मचारी, वो बोलता है कि 3 दिन बंद रहे या 10 दिन बंद रहे, मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है। आप सुपरवाइजर साहब को, उन्होंने मेरे सामने जवाब दिया और मेरे को फोन पे ऐसा जवाब दिया है उन्होंने। क्या नाम है लाइनमैन का? लाइनमैन का है सातनकर। सातनकर जी है जी। और क्या कहना है अधिकारी को इस बारे में? अधिकारी का वो कहना है कि भैया जोड़ देंगे, सुधार देंगे, 3 दिन से पूरी जनता प्यासी पड़ी हुई है, ग्राम का नल जल योजना बंद पड़ा हुआ है, लाइन नहीं है, और किसानों के पंप कनेक्शन भी बंद पड़े हुए हैं लाइन की वजह से। आप ग्राम पंचायत सरपंच? सरपंच पति हूँ जी 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 जी। मेरे साथ में कोटवार है, मेरे ग्राम के सभी नागरिक गण है, और मैं ये आवेदन दे रहा हूँ सातनकर को हटाने के लिए और वापस पुनः जो पहले कर्मचारी था उसको वापस लाने के लिए। अच्छा, ग्रामीणों को ऐसा सुनने में आया है कि यहाँ पे अभद्र व्यवहार किया जाता है, अगर शिकायतकर्ता शिकायत दर्ज करवाने आते हैं तो? सुनाई नहीं करते हैं और अभद्रता पूर्वक बात करते हैं ये लोग, संतुष्ट पूर्वक जवाब नहीं। कुल मिला के ये घुसखोरी और प्रशासन की लापरवाही के कारण ये। और 24 घंटे वाली लाइन हर दिन शाम में 3-4 घंटे 5 घंटे बंद रहती है। ट्रिप होती है? ट्रिप होती है, 8 बजे बंद हुई तो रात के 10-11 बजे, वो भी आप अभी वो भी आओ, फोन करो, बार बार रिक्वेस्ट करो, जब फॉल्ट लाइन चालू करते हैं। अभी भी मतलब कल से डीम है लाइन, डीम ही है। अच्छा, बिजली विभाग का कोई शेड्यूल नहीं, अपने मन से बंद करते हैं, अपने मन से चालू करते हैं, कब आ रही कब जा रही कोई टाइम टेबल नहीं। सही बात है, ठीक है सर।